हम इससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाएं जी यहाँ जी। से, तो वहाँ पे हमें एक वेटलैंड मिलेगा, वहाँ पे मतलब बहुत सारे, बिल्कुल हाँ वेटलैंड शालबुक। और हमने जाना है इस रास्ते से होकर, देख रहे हैं आप कितना खराब रास्ता है भाई, सब ऑफ रोड हो गया सीधा ये, तो पहले जाते हैं अपनी जो लोकेशन है वहां पर देखते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हो इस वक्त जेके मोटो व्लॉग्स का कैमरा मेरे हाथ में है, वो आगे से जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि स्टैंड खुला है। जवाद भाई स्टैंड खुला है। ये देखिए गई बाइक पानी में, ये देखिए गाइस ओपी वाला सीन। भाई यार ये क्या हो गया। और यहाँ पर भाई हमें पानी मिला और क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा था ना भाई, बाइक ही फंस गया हमारा। तो अब निकालते हैं बाइक यहाँ से, पहले आप आसपास का व्यू देख लें कितना प्यारा आ रहा है। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमर। उमर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जेके मोटो व्लॉग्स पे। तो मतलब आप तो यहीं आसपास मुझे लगता रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं आगे रहते होंगे। तो जी इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो मेरा ये भाई ये कज़न मुझे लेके आया वहाँ जा आगे, तो इसने बोला था कुछ वेटलैंड जैसा है वहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो मुझे एक्सप्लोर तो करना है, कश्मीर दिखाना है लोगों को। तो आप बताएं इस जगह के बारे में कुछ, पहले ये क्या होती थी मतलब, तो अब तो वेटलैंड जैसा हो गया, पहले यहाँ क्या था मतलब? एक्चुअली मतलब ये जो जगह है ना जी, गांधरबल से मतलब पड़ता है। हाँ, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के साथ। ओके ओके। और यहाँ क्या था कि पहले यहाँ पे सारा मतलब पानी ही पानी था। पानी जी जी बिल्कुल। अब मतलब थोड़ा थोड़ा पानी कम होने लगा, तो थोड़ा, वरना यहाँ पर मतलब बहुत सारे मतलब जानवर भी होते थे, जंगली जानवर। ना ना परिंदे। अच्छा परिंदे, परिंदे जी जी, वो जो शिकार होता है। बिल्कुल 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 जी जी। तो अगर हम इससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाएं जी यहाँ से, तो वहाँ पे हमें एक वेटलैंड मिलेगा, वहाँ पे मतलब बहुत सारे, बिल्कुल हाँ वेटलैंड शालबुक, बोहंस पर बहुत सारे परिंदे होते हैं जी। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है जो ये सिंध पड़ता है वहाँ से, ये मतलब सोनमर्ग से पड़ता आता है। सोनमर्ग? हाँ सोनमर्ग से, जिसको हम नाले सिंध बोलते हैं। नाले सिंध बिल्कुल, वो यहाँ से आता मतलब पड़ता जी, है जी जी। हाँ और मेरे ख्याल से मतलब यहाँ पर बहुत मतलब ब्यूटीफुल भी है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो आया मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से आगे इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है, तो यह है ना कश्मीर की हिडन प्लेस है ऐसा मानो कि, मतलब कोई यहाँ पर आया ही नहीं इसको एक्सप्लोर करने या दिखाने कुछ भी, आज तक मैंने खुद नहीं देखा। सही। तो बाकी गुलमर्ग वगैरह जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं फेमस, वहाँ तो जाते हैं, यहाँ भी आना चाहिए इनको, है नहीं, देखने के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू। सो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं कुछ इस टाइप की लोकेशन पर, कितनी प्यारी जगह है आप देख सकते होंगे, ये रही अपनी जिप्सी और हेलमेट वगैरह सब उसी पे है। तो आस पास का यहाँ पर व्यू देख लें भाई, कितनी प्यारी जगह है। तो गुलमर्ग लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, फेमस है, बट यहाँ का भाई कोई सीन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है ये जगह, ऐसा मान लो कि हिडन प्लेस है, नहीं कश्मीर की हिडन ब्यूटी। तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ भाई, यहाँ पे मस्ट विज़िट करें, देखें भाई आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर, यहाँ आके ना भाई प्यार हो गया इस जगह से। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी वाजिद को भी यहाँ लाएँगे, अपने साथ के जो अपने व्लॉगर्स वगैरह हैं उन्हें, उनको भी यहाँ पे लाएंगे और दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। फ़िलहाल आज का व्लॉग तो नॉर्मली व्लॉग होने वाला है, क्योंकि भाई साहब अभी हम उस तैयारी से नहीं है, 2-4 बंदे और होते तो अलग ही मज़ा होता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। और अब जाते हैं आगे उस साइड पर, कुछ नाला वाला है नहीं वासिक, तो वो नाला दिखाएँगे आपको, तो बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल मिलते हैं आप सीधा नाले साइड पर, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस ये रहा नाला जो आता है सोनमर्ग से, और इसका नाम है सिंध, है नहीं? यस सर। तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के साथ ये जगह पड़ती है भाई, कितनी खूबसूरत जगह है, आप आए देखें और घूमें भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये, पेड़ देख लो आसपास, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल में घुस गए हैं, बट खूबसूरती बहुत है यहाँ पर। जब भी आएँ अपनी आईडी कार्ड ज़रूर साथ लाएं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे थोड़ा पुलिस और आर्मी घूमती रहती है, तो ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और उनको भी दिक्कत ना हो।